हेलो गाइस, टेक ये वीक एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11 सीरीज के बारे में। गाइस, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो रेडमी नोट 11 सीरीज है ये चाइनीज वेरिएंट है। इंडियन वेरिएंट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि इस सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं होंगे। लॉन्च होंगे, किस नाम से लॉन्च किए जाएंगे और कब लॉन्च किए जाएंगे इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अभी ऑफिशियली रेडमी नोट 11 सीरीज के लॉन्च डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। 28 अक्टूबर को ये सीरीज चाइना में लॉन्च की जा रही है। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, रेडमी नोट 11, 11 प्रो एंड 11 प्रो प्लस। रेडमी नोट 11 एंड 11 प्रो के ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पेसिफिकेशन वाइवो से लीक हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन के लीक हुए स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो इसके जो ऑफिशियल फर्स्ट लुक रिवील हुए हैं वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिजाइन और लुक्स वाइज ये दोनों फोन कुछ इस तरह का होने वाला है। रेडमी नोट 10 प्रो जो चाइना में लॉन्च किया गया था उससे रेडमी नोट 11 सीरीज में काफी चेंज देखने को मिलेगा। 8.3 mm थिकनेस के साथ आएगा, तो स्लिम एंड स्लिक साइज में डिजाइन देखने को मिलेगा। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 4 कलर में लॉन्च किया जाएगा। फ्रंट एंड बैक पूरी तरीके से ये फोन फ्लैट होगा और इस सीरीज के स्मार्टफोन ग्लास बैक के साथ आएंगे। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसके ऊपर 3 कैमरा सेंसर, 1 LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। फ्रेम प्लास्टिक का होगा और फ्रंट की तरफ इसमें ग्लास देखने को मिलेगा। फ्लैट स्क्रीन होगी ऊपर की तरफ, सेंटर में बिल्कुल छोटा सा पंच होल का कटआउट मिलेगा। बेजल सुरचिन काफी पतले देखने को मिल जाएंगे और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कहीं से भी कुछ भी जानकारी निकल के नहीं आई है। तो ये दोनों फोन काफी गुड लुकिंग होने वाला है। काफी प्रीमियम सा डिजाइन दोनों फोन में देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोनों फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगी। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। रेडमी नोट 11 में LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और नोट 11 प्रो में AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोनों में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश देखने को मिल जाएगा। तो स्पेक्स वाइज दोनों फोन का डिस्प्ले अच्छा होने वाला है। कैमरे के बारे में बात करें तो दोनों फोन के रियर साइड 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सेंसर नोट 11 में 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि सैमसंग का ISOCELL JN1 का सेंसर होगा और नोट 11 प्रो में प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि सैमसंग का HM2 का सेंसर होगा। सेकेंडरी थर्ड सेंसर के बारे में बात करें तो इसकी अभी तक कोई भी लीक्स बाहर निकल के नहीं आई है, बट पॉसिबली इन दोनों फोन में सेकेंडरी सेंसर 8 MP के देखने को मिल सकते हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे और थर्ड सेंसर 2 MP के देखने को मिल सकते हैं जो कि मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर होंगे। और फ्रंट की तरफ दोनों फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा इन दोनों फोन में काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बैटरी के बारे में बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि काफी अच्छी चीज है। नोट 11 में 33 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और नोट 11 प्रो में 67 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों फोन में टाइप सी पोर्ट, NFC 3.5 mm जैक, IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक्रोफोन, 3 कार्ड स्लॉट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सेंसर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसर भी देखने को मिलेंगे। गाइस, दोनों फोन में डुअल स्पीकर देखने को मिलेंगे और पॉसिबली दोनों फोन में स्टूडियो स्पीकर होंगे क्योंकि रेडमी के मिड रेंज कैटेगरी के भी फोन में स्टूडियो स्पीकर दिए जाते हैं। तो इसमें भी आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल सकते हैं और साउंड इसमें JBL का मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आने वाला है और MIUI 12.5 के ऊपर रन करेगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों फोन के चिपसेट के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोनों फोन में MediaTek का चिपसेट देखने को मिलेगा। रेडमी नोट 11 में MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक मिड रेंज कैटेगरी का चिपसेट है। 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। रेडमी नोट 11 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक मिड प्रीमियम कैटेगरी का चिपसेट है। नया चिपसेट है, 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये रन करता है। 6 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये भी चिपसेट बना है। तो ये दोनों चिपसेट काफी एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब इन दोनों फोन में एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। हीटिंग वुटिंग का इश्यूज कम देखने को मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो नोट 11 Mali G57 MC2 के ऊपर बेस्ड है और वहीं नोट 11 प्रो Mali G68 के ऊपर बेस्ड है। तो दोनों फोन में जो चिपसेट दिया गया है वो डे टू डे लाइफ का सारा काम बिना कोई प्रॉब्लम आसानी से हैंडल करके दे देगा और सभी तरह की गेमिंग भी ये मक्खन की तरह हैंडल कर लेता है। तो दोनों फोन में परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिलेगा। दोनों फोन LPDDR4X रैम, UFS 2.1 या फिर 2.2 स्टोरेज के साथ आ सकता है। तो रीड एंड राइट स्पीड भी इन दोनों फोन में अच्छी मिल जाएगी। तो गाइस, यही थे इन दोनों फोन के सभी लीक हुए स्पेसिफिकेशन। रेडमी नोट 11 प्रो प्लस के बारे में बात करें तो इसके स्पेक्स को लेकर कुछ खास लीक्स बाहर निकल के नहीं आया और मुझे लगता है कि रेडमी नोट 10 प्रो में ही थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके रेडमी नोट 10 प्रो प्लस के नाम से लॉन्च किया जाएगा। एक चीज क्लियर पता चला है कि रेडमी नोट 10 प्रो प्लस जो स्मार्टफोन होगा उसमें
120 वॉट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। चलिए गाइस जब बात करते हैं इन दोनों फोन के प्राइस के बारे में, तो प्राइस को लेकर कोई भी लीक्स वगैरह बाहर निकल के नहीं आया है, बट मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से Redmi Note 11 को चाइना में 12-13,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है, जो इसका बेस वेरिएंट होगा उसे। और वहीं Redmi Note 11 Pro के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस अराउंड 15-16,000 तक रखी जा सकती है। अगर इस प्राइस पे चाइना में लॉन्च होगा तो काफ़ी एग्रेसिव प्राइस मानी जाएगी। इंडिया लॉन्च के बारे में बात करें तो इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है, लेकिन एक बात बता दूं कि Redmi Note 11 जो है ये फ़ोन बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ये फ़ोन BIS के ऊपर लिस्ट हो चुका है। Poco M4 Pro 5G के नाम से लिस्ट किया गया है, तो इंडिया में ये फोन Poco M4 Pro 5G के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और पॉसिबली ये फोन नवंबर के सेकंड या फिर थर्ड वीक तक में लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है, और सबसे जरूरी बात किस प्राइस पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।